शिमला नगर निगम चुनाव को लेकर बीजेपी तैयारियों में जुट गई है। बीजेपी प्रदेश महिला मोर्चा की 3 दिवसीय कार्यसमिति की बैठक शिमला में शुरू हो गई है। इस बैठक में शिमला नगर निगम चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। वहीं प्रदेश सरकार की महिलाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं को घर तक ले जाने के लिए प्लान तैयार किया जा रहा है। बैठक में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सहित बीजेपी के मंत्री और पदाधिकारी शिरकत करेंगे। बुधवार को बैठक में शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज मौजूद रहे। प्रदेश महामंत्री वंदना गुलेरिया ने कहा कि शिमला नगर निगम के चुनाव और प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को घर घर तक कैसे पहुंचाया जाए, इसके लिए 3 दिन तक मंथन किया जा रहा है। शिमला नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में इन चुनाव के लिए अभी से रणनीति तैयार की जा रही है। नगर निगम में बीजेपी का कब्जा है और बीजेपी ऐसी पार्टी है जिसने नगर निगम और पंचायत चुनाव में 50% सीटें महिलाओं को दी है। बीजेपी ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काफी कदम उठाए हैं। 3 दिवसीय इस कार्यसमिति की बैठक में आज शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज संबोधित करेंगे और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री बूथ को कैसे मजबूत करना, इसके बारे में जानकारी देंगे। 3 दिवसीय महिला कार्य समिति का कल से शुभारंभ हुआ है और कल हमारे पदाधिकारियों की बैठक थी। आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। हमने किस तरह से उन जो हमारी योजनाएं हैं उनको घर घर तक कैसे पहुंचाना है, उसके बारे में हमारी जो यहाँ की जो कार्य समिति है, इससे हम क्या क्या सीख के जाती हैं हमारा महिला मोर्चा, क्योंकि यहाँ पर क्रीम जो है हमारा महिला मोर्चा, प्रदेश स्तर के पदाधिकारी, प्रदेश स्तर की कार्य समिति के सदस्य और जिला की अध्यक्षाएं, जिला के महामंत्री इस कार्य समिति में अपेक्षित हैं। मैम, आगामी समय में नगर निगम शिमला के चुनाव भी हैं और 2022 में विधानसभा चुनाव भी है, क्या उसको लेकर भी मंथन होगा? बिल्कुल, लोगों को बहुत मार्च अप्रैल में हमारे एमसी के इलेक्शन होने जा रहे हैं। बहुत पहले एमसी में हमारा भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, आगे भी हम ही उसमें विराजमान रहेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं के लिए, मैं महिलाओं की बात करूंगी क्योंकि महिलाओं के लिए जो हमारी चाहे पंचायती राज है, हमारा एमसी का है, उसमें जो है 50% जो टिकट आवंटन जो होता है वो महिलाओं के लिए किया जाता है। महिला को सशक्त करने के लिए अगर कदम उठाया है तो भारतीय जनता पार्टी ने उठाया है।